मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा भारत देश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा सारा दा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिन्हों काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो, अत्याचार बंद करो अत्याचार बंद करो। चल रहा है तो क्या आपकी प्लानिंग रहेगी आगे के लिए? कल हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग थी, जिसमें कई जो आने वाली रणनीति तय की गई है। एक तो हमारे पत्रकार साथी, आपके साथी, सभी के साथी जो सच्चाई को दिखाते थे, मनदीप पुनिया जी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है बिना किसी पते के, बिना किसी के कसूर के। उसकी वहाँ कड़े शब्दों में निंदा की गई है, उसके लिए जगह जगह पर ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, उसके लिए भी रणनीति तय हो रही है। आज दोपहर तक चल जाएगा पता भी सिरसा का क्या प्रोग्राम है। दूसरा जो हमारा अहम प्रोग्राम है, जो इस सरकार की दमनकारी नीतियों के ख़िलाफ़, क्योंकि इंटरनेट बंद किए हैं हमारी आवाज़ दबाने के लिए, वहाँ पानी बंद किया है, लाइट बंद की है, बहुत सारी आंदोलन को नाकामयाब करने के लिए अलग अलग तरह की चालें चल रही है सरकार, उसके ख़िलाफ़। और दूसरा नंबर, जो ट्रेनें पंजाब से आ रही थी, दिल्ली आ रही थी, उसका भी रूट बदल दिया गया है, कोई रेवाड़ी कर दी, कोई कहीं कर दी। भी हमारे जो किसानों को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे ये सरकार अपना रही है, उसके विरोध में आने वाली 6 फरवरी को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रोड जाम रहेंगे, चक्का जाम रहेगा। उसके लिए हमारे अभी मीटिंग होनी है वैसे तो, लेकिन लगभग जो जितने भी रोड सिरसा से, चाहे सिरसा से भादरा, सिरसा से नोर, सिरसा से एलनाबाद वाया मल्लेका, सिरसा से एलनाबाद वाया जीवन नगर, सिरसा से डबवाली, सिरसा से सरदूलगढ़, जहाँ डबवाली से संगरिया, डबवाली से एलनाबाद वाया बिजूवाली डुडियावाली होके, ये सभी पॉइंटों पर हमारे रोड जाम रहेंगे। उनमें पॉइंट जो हमारे पक्के मोर्चे हैं, जैसे भावदीन टोल प्लाजा है, हुइयां टोल प्लाजा है, वो तो बंद रहेंगे। उसके अलावा जैसे पंजवाना और साहूवाला में 2 जगह हमारे लंगर की सेवा चल रही है, उसमें 1 पॉइंट हो जाएगा। ढूडियाँ वाली में 1 बंद होगा। रानियाँ वाले जो हमारा पक्का मोर्चा लगा हुआ है, उनका पॉइंट कोटू या रानियाँ में जहाँ भी होगा, एक मिट्टी सरेरा में वहाँ पॉइंट हो जाएगा, एक उसके अलावा इधर जमाल में या कागदाना में, उसके अलावा चोपटा जो पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट होंगे हम सभी उसके ऊपर, हमारे सभी संगठनों से जो सीनियर हमारे किसान लीडर हैं या किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ सारे पक्का मोर्चा धरने पे, उनके सभी की राय के साथ, सभी की सलाह के साथ लगभग सिरसा के जितने भी रोड हैं सबको जाम करेंगे 12 बजे से 3 तक। उसमें ज़रूरी सेवाएँ जो चालू रहेंगी, एम्बुलेंस वगैरह या किसी की बारात है जो वो चीज़ें चालू रहेंगी, उसके अलावा बिल्कुल चक्का जाम करेंगे। इस सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे कि ये सरकार सच को दबा रही है, झूठ को आगे करने के लिए जो नेट बंद किया है, जो मीडिया वाले कर्मचारी हमारे सच को दिखाते हैं उसको पकड़ने का काम कर रही है, उनकी नीतियों के खिलाफ ये हमारा जो बंद है ये रहेगा। पंजाब और राजस्थान में जाम लगाएंगे? बिल्कुल, वो सारे पूरा भारत बंद है, वो तो ऑटोमेटिक बंद ही है। ये जो मसाव वाला है, झंडा है, ये बंद करेंगे, उधर किलियां वाली है, ये जब पंजाब राजस्थान की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात है। पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी जो पॉइंट हैं सभी जगह बंद होगा। ये पंजाब राजस्थान या हरियाणा की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है। पूरे देश का किसान को जातनाएँ सहनी पड़ रही हैं, पूरा देश का किसान इस केंद्र सरकार से, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, चाहे यूपी में योगी है, यहाँ खट्टर है, जो ये कर रहे हैं किसानों के साथ धक्का कर रहे हैं, उसके लिए, उसके खिलाफ़ ये बंद रहेगा।